हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे क्लास 10 विज्ञान का 29 फरवरी का सबसे वायरल पेपर। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप सभी को यहाँ पे सबसे वायरल पेपर साइंस का हम बताएंगे जो 801 HE है। ठीक है, यानी ये जो वायरल पेपर है ये आप सभी के 100% गारंटी के बिल्कुल यही पेपर आप सभी के 29 फरवरी के बोर्ड एग्जाम में आएगा। ठीक है, ये पेपर बिल्कुल 100% रियल पेपर है। ठीक है, अगर जितने स्टूडेंट ठीक है इस वीडियो को यानी देख रहे हैं इस पेपर को सॉल्व कर लेंगे वो 29 फरवरी को विज्ञान में बिल्कुल 70 में 70 नंबर छाप कराएंगे। ठीक है, यानी पूरे के पूरे जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं ठीक है इस साइंस के पेपर को तैयार कर लेंगे वो सभी बच्चे जो है विज्ञान में 70 में 70 नंबर लाएंगे, ये मेरी 100% गारंटी है। ठीक है, अगर आप सभी लोग विज्ञान में कुछ नहीं पढ़े हो ना, आप लोग कमजोर हो तो मात्र इस पेपर को तैयार कर लेना 801 HE, इस पेपर के कोड याद कर लीजिए। ठीक है, मात्र इस पेपर को तैयार कर लो, पूरे के पूरे आप लोग 70 में 70 नंबर साइंस में बिल्कुल छाप कराओगे। ठीक है, ये मेरी 100% गारंटी है। यहाँ पे क्या है, विज्ञान का ये पेपर 2024 बोर्ड का ये आपका अनुक्रमांक, यहाँ पे नाम लिखना है। ठीक है, ये बहुत ही वायरल, इसमें आपको समय जो मिलेगा वो 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा। और आप सभी लोग जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को यहाँ पे 29 फरवरी से पहले देख रहे हैं ना, वो इस पेपर को हम गारंटी दे रहे हैं कि वो 250 पे ही करके बैठ जाएंगे, बिल्कुल छाप कर बैठ जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, पूर्णांक 70 का है, और इस पेपर को जितने स्टूडेंट तैयार कर रहे हैं वो बिल्कुल 29 फरवरी को तहलका मचा देंगे, पूरे के पूरे 70 में 70 छापेंगे। ठीक है, निर्देश सबसे पहले क्या है कि यहाँ पे 15 मिनट आप सभी को इस प्रश्न पत्र को पढ़ना है। ठीक है, पढ़ लीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे प्रश्न पत्र दो खंडों में विभाजित है, खंड अ और खंड ब है। उसके बाद देखिये यहाँ पे आप सभी का साइंस का पेपर है, ये 3 जो है उपखंडों में विभाजित होता है। ठीक है, यहाँ जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, तो यहाँ पे क्या है खंड अ में यहाँ पे 3 उपखंड है। ठीक है, उपखंड क, उपखंड ख, उपखंड ग है, इस तरीके से विभाजित है। इसमें देखिए प्रश्न पत्र के खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न, यानी जितने भी खंड है आपके फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सभी से रिलेटेड आपके पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सभी से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, जिसका आंसर आपको OMR शीट पे देना है और काले और नीले पेन से देना, आप सभी को पता है। ठीक है, बहुविकल्पी क्वेश्चन 20 रहेंगे, पर क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। इसके उसके बाद आप सभी को यहाँ पे वर्णात्मक प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, और खंड ब के प्रत्येक उपखंड के सभी प्रश्न एक साथ हल करना, यानी जो भी आप सभी लोग उपखंड करोगे तो सबसे पहले आप सभी को कॉपी के सबसे ऊपरी सिरे पर ऐसे उपखंड क का कर रहे हो तो आपको क लिखने के बाद, ठीक है, अगर इसमें 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन दिए तो पूरे क्वेश्चन के आंसर आपको उपखंड क में ही लिखना है। ये नहीं कि उपखंड क का क्वेश्चन आप लोगों ने उपखंड ख में लिख दिया आधा क्वेश्चन। ठीक है, इससे आपके एग्जामिनर जो है बहुत गुस्सा हो जाएंगे और आपको 0 नंबर दे देंगे, तो ऐसे आपको नहीं करना है गलती। आपको जिस खंड का क्वेश्चन है उसी उपखंड में लिखना है। ठीक है, और इसके बाद देखिए, यानी ये सभी हो गए निर्देश। अब यहाँ से शुरू होता है आप सभी का खंड अ, जिसमें बहुविकल्पी क्वेश्चन है। ठीक है, जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और यही क्वेश्चन आपका 29 फरवरी साइंस में बिल्कुल छप कर आएगा। जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं बिल्कुल साइंस में टॉप कर जाएंगे, इतना ये वायरल पेपर है। सबसे पहले उपखंड क यहाँ से स्टार्ट होता है, यानी सबसे पहले आपके फिजिक्स के यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। ठीक है, सबसे पहला देखिए क्वेश्चन इस तरीके से क्या है, यहाँ पे एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी यानी f बराबर 12 सेमी, ठीक है, दर्पण के उत्तल पृष्ठ के यानी उत्तल पृष्ठ के त्रिज्या होगी, इसकी यहाँ पे उत्तल पृष्ठ की त्रिज्याएं पूछ रखी हैं। कि इसका सूत्र क्या होता है, f बराबर r/2 होता है। ठीक है, यानी दर्पण की फोकस दूरी f जो होती है उसकी वक्रता त्रिज्या आर की आधी होती है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको लगाना है। यहाँ पे मान किसका दिया है, फोकस का मान दिया है। ठीक है, तो आप सभी को देखिए कैसे हल करना है, यहाँ पे यानी इस तरीके से आपको यफ बराबर r/2 वाले सूत्र पर इस यहाँ पे जो यफ का मान जो है 12 है, तो यहाँ पे आपको 12 रख देना है, 12 ठीक है बराबर r/2। तो यहाँ पे ये जो 2 है ये क्या है, इस समय भाग में है, बराबर किधर जाएगा, गुणे में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 × 2 = r। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 24, r = 24 सेमी आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दूसरा, उत्तल लेंस के द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक ठीक है उल्टा एवं बड़ा प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु को रखना चाहिए। ठीक है, उत्तल लेंस कैसा होता है, यहाँ पे बीच में मोटा और किनारों पर पतला, ये क्या है, उत्तल लेंस है। ठीक है,
इसी पर क्या रखा गया है, वस्तु रखा गया, यानी वस्तु का वास्तविक, यहाँ पे प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है, उल्टा बन रहा है और बड़ा बन रहा है। ठीक है, बड़ा प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु को कहाँ पे रखना चाहिए, तो वस्तु को देखिए कहाँ पे रखना चाहिए, यानी लेंस के फोकस पे रखना चाहिए। ठीक है, या लेंस से 2f की दूरी पर, या लेंस से f तथा 2f के बीच, ठीक है, या 2f से अनंत के बीच। तो यहाँ पे हो जाएगा, यानी कहाँ पर हम रखेंगे वस्तु को, लेंस से 2f की दूरी पर, यानी लेंस जो है यहाँ पे हम मान लेते हैं ये क्या है, यहाँ पे f1 दूरी है। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया, ये 2f1 इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ इसको हम कहाँ पे रखेंगे, लेंस से 2f दूरी पर जब हम यहाँ पे कोई वस्तु को रखेंगे तब उसका प्रतिबिंब जो है वास्तविक, उल्टा और बड़ा बनेगा। ठीक है, ऐसे आप सभी को क्या करना है, पूरा आपको समझ जाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिए तीसरा, बिल्कुल सभी क्वेश्चन आपके 29 फरवरी के विज्ञान के पेपर में छप कर आएंगे, इतना आप लोग बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ समझ जाओ इसको। ठीक है, यहाँ पे इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेमी है, इसकी फोकस दूरी होगी, यहाँ पे गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 है, फोकस दूरी पूछ रखा है, यही सूत्र से लगेगा, यह बराबर r/2 से लगेगा। ठीक है, वक्रता त्रिज्या यहाँ पे इसका मान 30 दिया हुआ है, बाकी यह बराबर 30/2 यहाँ पे आ गया, यह बराबर कितना आ गया, यहाँ पे 15 आ गया। ठीक है, 15 सेमी, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, 15 सेमी। अगला क्वेश्चन है चौथा, किसी दर्पण की फोकस दूरी, किसी दर्पण की फोकस दूरी f या वक्रता त्रिज्या r के बीच संबंध है, इसको हमने तो अभी कई बार बता चुका, ऊपर सवाल इस पे लग चुके। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी यहाँ पे देखिए ये गलत हो गया, यानी f बराबर r नहीं, यह बराबर यानी r+2 भी नहीं, और यहाँ पे देखिए यह बराबर r/2, यानी दर्पण की फोकस दूरी f उसकी वक्रता त्रिज्या के आधी होती है, ऑप्शन नंबर सी राइट है। क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ठीक है, यानी फोकस कर सकता है, ऐसा हो पाने का कारण है, ऐसा हो पाने का कारण क्या है, तो इसका कारण ये है कि वो समंजन क्षमता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला क्वेश्चन है प्रतिरोध का मात्रक है, यानी प्रतिरोध का आर बराबर क्या होता है, v/i। ठीक है, R बराबर v/i होता है, इस प्रतिरोध का जो मात्रक होता है, ठीक है, उस मात्रक होता है ओम, यानी इसको ऐसे शो करते हैं, इसका मात्रक ओम होता है। ठीक है, और इसका एक मात्रक होता है वोल्ट, और बटे के यहाँ पे I का मात्रक एम्पियर, तो यहाँ पे एक मात्रक वोल्ट बटे एम्पियर होता है, और इसी को वोल्ट बटे एम्पियर को ही ओम कहा जाता है। ठीक है, जिसका सिंबल कुछ इस टाइप से होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला क्वेश्चन सातवां, विद्युत ऊर्जा की इकाई होती है। ठीक है, देखिए जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं 100% 29 फरवरी के पेपर में आएंगे। ठीक है, क्योंकि हम एक टॉपर स्टूडेंट भी रहे हैं और हमें कई सालों के एक्सपीरियंस भी है, और बोर्ड के पेपर भी हम बनाते हैं, इस तरीके से हम आप सभी को 100% कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि बिल्कुल यही सब क्वेश्चन आपके 29 फरवरी के पेपर में आएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए विद्युत ऊर्जा की इकाई होती है, विद्युत ऊर्जा की जो इकाई होती है वो क्या होती है, वो किलोवाट घंटा में उसको नापा जाता है। ठीक है, यानी उसका मात्रक किलोवाट घंटा होता है, ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, इससे पहले हम आपको बता दें कि हमारे चैनल पे साइंस की कॉपी कैसे लिखे, ठीक है, जिससे पूरे के पूरे आपको 70 में 70 नंबर मिले, टॉपर कैसे लिखते, इस टॉपिक पे हमारे चैनल पे वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, इस वीडियो के लास्ट में भी हम आपको वीडियो लगा देंगे, वहां से भी देख सकते हो। बाकी अगर आप लोग साइंस में कमजोर हो, कुछ नहीं पढ़े हो, तो हमारे चैनल पे बिना पढ़े साइंस में पास होने की भी बहुत ही जबरदस्त ट्रिक की वीडियो अपलोड है, उस ट्रिक की वीडियो को भी आप लोग देख सकते हो, 100% उससे पास हो सकते हो, लेकिन सिर्फ आपको हमारे यूट्यूब चैनल के ही ट्रिक को लगाना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप सभी लोग इन सभी ट्रिकों का यूज कर सकते हैं। यहाँ से देखिए स्टार्ट होता है उपखंड ख। ठीक है, यानी उपखंड ख का मतलब ये जो ऑब्जेक्टिव है ये आपके यानी केमिस्ट्री से रिलेटेड है। ठीक है, रसायन विज्ञान से। आठवां क्वेश्चन है एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम है। ठीक है, देखिए यहाँ पे यानी इस तरीके से सबसे पहले कि आपको सूत्र लिखना है, यहाँ पे C2H5OH ये क्या है, इसका एथिल अल्कोहल का सूत्र है, आप लोग इसको CH3CH2OH ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, दो प्रकार से आप लोग इसको लिख सकते हो। अब देखिए एक कार्बन जब रहेगा, यानी एक कार्बन को क्या कहते हैं, मेथेन कहते हैं। ठीक है, और बाकी दो कार्बन को क्या कहेंगे, दो कार्बन को एथेन कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सिर्फ दो ही कार्बन है, तो यहाँ पे हम दो कार्बन तक ही आपको बताते हैं, बाकी हमने यानी पांच कार्बन को कितना कहते हैं, 6 कार्बन को, ये सब चीजें हम आपको और पेपर में बता चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक कार्बन को मेथेन, दूसरे कार्बन को एथेन कहते हैं, और बाकी जो OH समूह लगा हुआ है इसको आल कहा जाता है। ठीक है, इसको यानी ये क्रियात्मक समूह जो है इसको आल कहा जाता है। अब देखिये यहाँ पे आप लोग एथेन और प्लस यहाँ पे आल,
ठीक है, अगर आप लोग इसको पूरे को आप लोग इस तरीके से मिला करके आप लोग पढ़ोगे तो ये हो जाएगा एथेनॉल। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे एथिल अल्कोहल का जो आईयूपीएसी नाम होता है वो एथेनॉल होता है। ऑप्शन यहाँ पे ए राइट है। नेक्स्ट एंटीमनी है। एंटीमनी देखिए क्या है, धातु है, अधातु है, उपधातु है या अक्रिय गैस है। ठीक है, एंटीमनी जो है ये उपधातु है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट। नेक्स्ट है यहाँ पे दसवां क्वेश्चन, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, धावन सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है, तो यहाँ पे Na2CO3। ठीक है, ये जो है ये धावन सोडा यानी जो डिटर्जेंट होता है ना जिससे कपड़े साफ होते हैं उसी का सूत्र है। आप इसको धोने का सोडा भी कहा जाता है। तो यहाँ पे यानी सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, Na2CO3, बाकी इसमें जो जल है वो लगा रहता है, तो यहाँ पे Na2CO3 10H2O, ये क्या है, ये धावन सोडा का सूत्र है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट है। नेक्स्ट है यहाँ पे क्या है 11 क्वेश्चन, ठीक है, और आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि जो बेकिंग सोडा होता है उसका सूत्र कौन सा है। ठीक है, इसमें से बेकिंग सोडा का सूत्र कौन सा है इसका आप लोग कमेंट में बताइएगा आंसर। नेक्स्ट है 11, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। ठीक है, तो इसका जो पीएच है वो संभवतः क्या होगा। देखिए, जो लाल लिटमस को नीला कौन करता है, तो लाल लिटमस को अगर वो क्षारी विलयन रहेगा, ठीक है, तभी वो नीला करेगा। और क्षारी विलयन का जो पीएच होता है वो क्या होता है, 7 से अधिक होता है। ठीक है, क्षारी विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है, अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है, और उदासीन विलयन जो होता है इसका पीएच मान सिर्फ 7 होता है। ठीक है, और उदासीन विलयन में आपको कौन सा विलयन आ जाएगा, H2O जल की विलयन आ जाएगा। ठीक है, जिसका पीएच मान 7 होता है। तो इस तरीके से आप देखिए तीनों आप लोग ट्रिक से याद कर लीजिए, यानी आपको अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि अगर क्षारी आ गया तो 7 से अधिक, अगर अम्ली आ गया तो 7 से कम, उदासीन आ गया तो यहाँ पे अगर उदासीन आ गया तो ये 7। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यानी ये लाल लिटमस को नीला कौन करेगा, क्षारी विलयन ही रहेगा तभी वो लाल लिटमस को नीला करेगा। ठीक है, तब इसका जो पीएच मान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 7 से अधिक। इसमें कौन से ऑप्शन में 7 से अधिक संख्या है, एक तो ये 7 से कम है, 4 जो ये भी कम है, ये अम्लीय विलयन में आएगा, 5 भी है। ठीक है, यानी ये 10 जो है ये 7 से अधिक है, ऑप्शन डी राइट। 12 क्वेश्चन, क्षारी विलयन का पीएच है। अब देखिए फिर से यहाँ पे पूछ रखा है क्षारी विलयन का पीएच क्या है। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पीएच वाला आपके एग्जाम में जरूर आएगा। ठीक है, क्षारी विलयन का जो पीएच होता है वो हमने ऊपर ही अभी आपको बताया कि ये 7 से अधिक होता है, ऑप्शन डी राइट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तनु अम्ल के साथ सहयोग करके हाइड्रोजन गैस निकालता है। ठीक है, कौन सा, तो यहाँ पे देखिए JDN, ठीक है, और प्लस यहाँ पे यानी तनु अम्ल के साथ यहाँ पे हम HCl ले लेते हैं, और यहाँ पे ये जब इसको हम रिएक्शन इसका कराएंगे तो ये ZnCl2 बनेगा। ठीक है, यहाँ पे क्लोरीन की संख्या 2 है और यहाँ पे 1 था, तो यहाँ पे हमने 2 लगा दिया बाकी यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे जब क्लोरीन इसके साथ निकल गया ZnCl2 के साथ, तो यहाँ पे क्या बचा, हाइड्रोजन बचा, तो यहाँ पे प्लस एच का प्लस प्लस एच प्लस। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे 2H या H2 आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हो, H2 ही लिख दीजिएगा आप लोग। तो इस तरीके से क्या हो गया, ये इसको H2 को हाइड्रोजन गैस कहा जाता है। तो कौन मिलकर बना रहा है तनु अम्ल के साथ, ये तनु अम्ल है, और इसके साथ यहाँ पे ये जिंक जो है यानी इसको जस्ता कहा जाता है। ठीक है, ZN को जस्ता कहा जाता है, तो ये जस्ता ऑप्शन नंबर सी राइट है। यहां से आ गया उपखंड ग। ठीक है, और जैसा हम आपको बता रहे हैं ना समझा कर, वैसा आपको पूरे YouTube पर कोई नहीं बताएगा, हम एक टॉपर स्टूडेंट है इसलिए आपको भी एक टॉपर की तरह बताते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप सभी को समझना है, उपखंड ग आ गया यानी इसमें जो है इसमें आपके यानी बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव सबसे पहले है। तो 14 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्यूरीन क्षारक है। ठीक है, और आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि जो ये प्यूरीन क्षारक है ये किसका बेस है। ठीक है, तो देखिये क्या है कि यहाँ पे प्यूरीन, सबसे पहले प्यूरीन बेस होता है। ठीक है, दो बेस होते हैं, प्यूरीन बेस पहला होता है और उसके बाद दूसरा जो होता है वो पिरिमिडीन होता है। ऐसे पिरिमिडीन बेस आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, ऐसे हमने बिल्कुल टेम्पररी में यहाँ पे बता रहे। अब देखिए जो प्यूरीन बेस है इसमें जो होता है इसमें यानी कि ग्वालिन होता है और एडनिन होता है। ठीक है, क्या क्या होता है, ग्वानिन और यहां पे होता है एडिनिन, ग्वानिन एडनिन होता है। और ये जो पिरिमिडीन बेस है इसमें जो होता है इसमें थायमीन और साइटोसिन होता है।
ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रखा है कि प्यूरीन क्षारक का कौन है, तो प्यूरीन बेस में जितने भी इस तरीके से रहेंगे इसमें दो ही है, ग्वानीन है और एडनिन है। तो इसमें से एडनिन तो दिया नहीं इस ऑप्शन में, बाकी दिया क्या है, ग्वानीन दिया है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ठीक है। बाकी जो ये थायमीन और साइटोसिन है ये पिरिमिडीन बेस के हैं, ठीक है, ये प्यूरीन बेस के नहीं है और पूछा है क्वेश्चन में प्यूरीन बेस, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 15 क्वेश्चन है, एक संकर क्रॉस का जीन प्रारूप अनुपात होगा, यानी एक संकर क्रॉस का, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे कोई सफेद फूल ले लिया और उसके बाद एक लाल फूल ले लिया, ठीक है, दोनों का जब हम संकरण कराएंगे तो वो गुलाबी फूल हमें प्राप्त होगा पुष्प, ठीक है, तो उसमें जो हमारा जीन प्रारूप का अनुपात प्राप्त तो होगा वो एक संबंधे दो संबंधे एक का प्राप्त होगा, ऑप्शन यहाँ पे बी राइट। उसके बाद नेक्स्ट है 16 क्वेश्चन, पिट्यूटरी ग्रंथि की पश्च पाली से निकलने वाला हार्मोन है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इससे निकलने वाला जो हार्मोन है वो वासोप्रेसिन है, ऑप्शन यहाँ पे सी राइट है। नेक्स्ट है 17 क्वेश्चन, मनुष्य के शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या होती, देखिए यहाँ पे ऑटोसोम की संख्या पूछा है, ठीक है, तो इस तरीके से कितना होता है, 42 होता है या 22 होता है या 44 होता है या 24 होता है, ठीक है, यहाँ पे गुणसूत्रों की संख्या नहीं पूछा, ऑटोसोम का पूछा है, ठीक है, तो इसमें 22 होता है, ऑप्शन बी राइट। निम्नलिखित में से कौन सा जीन प्रारूप शुद्ध गोल बीजों को प्रकट करता है, ठीक है, तो जब आप सभी लोग जैसे स्वतंत्र अभिवन का नियम जो है ना, मेंडल ने तीन नियम दिया था, तो उसमें से जो तीसरा नियम है उसमें क्या होता है कि शुद्ध गोल जो बीज प्रकट होते हैं वो कैपिटल आर आर से होते हैं, ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे डी राइट है। 19 क्वेश्चन है, डीएनए पाया जाता है, यानी डीएनए जो है कहाँ पे पाया जाता है, कोशिका द्रव में पाया जाता है, केंद्रक द्रव में या केंद्रिका में, ठीक है, या उपार्जित लक्षणों में, तो देखिए जो डीएनए होता है ना वो केंद्रक में पाया जाता है, यानी केंद्रिका भी नहीं केंद्रक में पाया जाता है, ठीक है, इस तरीके से आप लोग इसको ऑप्शन बी को राइट मार सकते हैं, ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन, परागकण किसके अंदर बनते हैं, यानी जो परागकण का निर्माण होता है निषेचन जो आता है, ठीक है, यानी छोटे मोटे जो भी कीट होते हैं, भौरे होते हैं, उनके माध्यम से जो उनके पैरों में चिपक करके नर से मादा में, मादा से नर में जाते हैं, ठीक है, इस तरीके से परागकण, वो परागकण किसके अंदर बनते हैं, तो वो परागकोष में होते हैं, यानी इस तरीके से परागकोष रहता है उसमें ऐसे परागकण भरा रहता है, ठीक है, इस तरीके से, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये परागकोष होता है, परागकोष में परागकण पाया जाते हैं। तो इस तरीके से ये 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था जो बिल्कुल वायरल था, आपके पेपर में बिल्कुल छपा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। और इसके बाद अब आता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसके बाद आता है खंड ब जिसमें वर्णनात्मक प्रश्न है, ठीक है, और ये जो है उपखंड क से शुरुआत होता है, यानी सबसे पहले फिजिक्स से रिलेटेड यहाँ पे वर्णनात्मक प्रश्न है, यानी ये आप सभी का ये पहले का क ख दोनों मिलाकर के ये चार नंबर वाले क्वेश्चन है, ठीक है, दो दो नंबर के, तो ये इसमें दो क्वेश्चन है इसलिए दो दो नंबर का है, ये चार नंबर का है। पहला क्वेश्चन है कि एक किरण आरेख के द्वारा प्रिज्म से श्वेत प्रकाश के विक्षेपण को समझाइए, काफी अच्छे तरीके से यहाँ पे रंगीन बिल्कुल बना करके आप सभी को बता रहे हैं। सबसे पहले आंसर हो जाएगा वर्ण विक्षेपण से क्या तात्पर्य है, ठीक है, और ये जो क्रिया होती है ये प्रिज्म में होती है, ठीक है, तो इस तरीके से ये कांच का प्रिज्म है, इसमें हम आपको अभी समझाएंगे। तो सबसे पहले वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, जब क्या होता है, सूर्य का प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है, ठीक है, तो वो अपने अव्यय रंगों में विभक्त हो जाता है, यानी प्रिज्म से सात रंग निकलते हैं तो वही वो अव्यय रंगों में अपने विभक्त हो जाता है, बढ़ जाता है, इस पूरी घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं, ठीक है। पर्दे पर प्राप्त रंगों की पट्टियों को वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम कहते हैं, ठीक है, ठीके? दूसरे वाले क्वेश्चन का भी हो गया। अब देखिये प्रिज्म क्या है, इस तरीके से प्रिज्म, इस तरह से यहाँ पे ये कांच का प्रिज्म है, ठीक है, इसमें से ये सूर्य का प्रकाश यानी श्वेत रंग का प्रकाश जा रहा है, प्रकाश पुंज जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये जो माध्यम है ये बीरल है, इसके बाद ये सघन माध्यम में जा रहा है, तो अभिलंब की ओर झुक रहा है, फिर उसके बाद क्या हुआ, ये विलंब की ओर हो जा रहा है, ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे श्वेत प्रकाश जो है इसी पूरे यहाँ से भी से लेकर के आर तक की क्रिया को ये स्पेक्ट्रम कहा जाता है, ठीक है, इसमें पूरे सात रंग है, कितने रंग है, सात इसमें रंग है पूरे, इस तरीके से इसी को स्पेक्ट्रम कहा जाता है। अब देखिए स्पेक्ट्रम में कितने रंग होते हैं, स्पेक्ट्रम में प्रिज्म के आधार की ओर से रंगों का क्रम निम्न अनुसार है, यानी आधार की तरफ से इधर से, ठीक है, यहां से वायलेट से शुरू हो रहा है, तो सबसे पहले बैंगनी है और उसके बाद जामुनी है, ठीक है, नीला है, हरा है, पीला है, नारंगी है, लाल है, ये लास्ट में यानी यहां से
यहां से बैगनी वाला शुरू हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा इतना है, आप सभी लोग इसको तैयार कर लीजिएगा पूरा। और आपको अगर ये वर्ड पीछे पड़ेगा तो आपको ये प्रिज्म बनाना है और उससे ये सात रंग को भी आपको निकालना है, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है कि अमीटर का क्या कार्य है, ठीक है। इसे परिपथ में किस प्रकार जोड़ते हैं, यानी इसको परिपथ में अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं या समांतर क्रम में जोड़ते हैं। सबसे पहले जो अमीटर है ये विद्युत धारा को नापता है, ठीक है, यानी जब इलेक्ट्रिक करंट है उसके मापन के लिए ये अमीटर का यूज किया जाता है, ठीक है। और इसको जो है परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो इसको परिपथ में सीरीज में, ठीक है, यानी श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए पूरा, ठीक है। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। यही इसका दो नंबर का है, तो इसका आंसर इसमें दो क्वेश्चन है, ठीक है, चार नंबर के क्वेश्चन में, तो आपको सिर्फ दो लाइन इसका आंसर लिखना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है यहाँ पे दूसरा, किसी व्यक्ति को अपनी दूर की दृष्टि को संशोधित कराने के लिए, यानी उसके जो चश्मा है उसमें -5.5 डायोप्टर क्षमता के लेंस की आवश्यकता है, अपनी निकट की दृष्टि को संशोधित कराने के लिए उसे +1.5 डायोप्टर क्षमता के लेंस की आवश्यकता है, तो संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, ठीक है, यानी एफ की फोकस दूरी एफ जो है क्या हो जाएगी, जब दूर दृष्टि है तो उसके लिए फोकस दूरी क्या हो जाएगी, जब निकट दृष्टि दोष है, ठीक है, और ये क्षमता है तब उसके लिए क्या हो जाएगी फोकस दूरी दोनों। तो सबसे पहले यहाँ पे पहला दूर दृष्टि के लिए, ठीक है, दूर दृष्टि दोष जो इसके लिए यानी कितने फोकस दूरी का यूज करना पड़ेगा, सबसे पहले दूर दृष्टि का निकालेंगे, इसके बाद दूसरे में निकट दृष्टि का है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले की दूर दृष्टि जो है इसके लिए यानी पहला जो क्षमता है वो इस तरीके से दिया हुआ है -5.5 डायोप्टर, ठीक है, ये पी का मान दिया है, वाट का मान, ठीक है, क्षमता का मान दिया है। तो सबसे पहले इसको हम मान लेते हैं कि P1 इक्वल क्या हो जाएगा, -5.5 डायोप्टर। और इसके बाद देखिए इसकी फोकस दूरी की जो सूत्र हो जाएगी वो क्या हो जाएगा, फोकस दूरी, ठीक है, यानी F1 पहले के नहीं निकाल रहे, तो यहाँ पे F1 इक्वल हो जाएगा 1/P1, ठीक है। और आप लोग इसको यानी F1 बराबर आप लोग इसका मान मीटर में हम निकालेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम आपको मीटर में, अगर आप लोग अगर मीटर में निकालोगे तो यहाँ पे 1/P मानना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप लोग सेमी में निकालोगे तो यहाँ पे 100/P हो जाएगा। तो यहाँ पे मीटर में सबसे पहले निकाल लेते हैं कि F1 बराबर ये हो जाएगा 1 और बटे के यहाँ पे और माइनस में रहेगा, ठीक है, यहाँ पे हम माइनस में रहेगा, इसकी इस सूत्र में माइनस नहीं रहेगा, यहाँ पे मान में माइनस है, तो यहाँ पे हमने -5.5 रखेंगे, ठीक है, इस तरीके से। अब आप सभी को क्या करना है, दशमलव को हटाने के लिए ऊपर नीचे 10 का गुणा भाग कर दीजिए, ये दशमलव अपने आप गायब हो जाएगा, F1 बराबर क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ठीक है, एक में ये 0 ऐड हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और ये एक 0 से दशमलव समाप्त हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस यहाँ पे रहेगा, ठीक है, -5, ये 55 हो जाएगा, ये दशमलव हट गया तो ये 55 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद देखिये ये इसको हम ऐसे काट देते हैं, ये 5 × 2 = 10 और 5 × 5 = 5, ठीक है, यानी F1 बराबर क्या हो गया, यहाँ पे 2/11 आ गया, ठीक है। और 2/11 में जब हम इसका यानी 11 का इसमें जब हम भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा, और इसको हम आप लोग यहाँ पे अब इस फोकस दूरी को सेमी में भी लिख सकते हो, ठीक है, इस फोकस दूरी को किस में लिख सकते हो आप लोग, सेमी में। और सेमी में लिखने के लिए आपको सिर्फ यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे आपको 100 का गुणा करना होगा, ठीक है, तो ये 200 हो जाएगा, तो ये 200/ ये 11 हो जाएगा, ठीक है। और जब आप लोग इसका भाग दोगे तो F1 बराबर जो आप लोग इसका भाग दोगे तो 11 का 20 में कितने बार मिल जाएगा, एक बार मिल जाएगा, तो यहाँ पे 1, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 0 बचा है और बाकी इसमें से भी बचेगा, ठीक है, तो यहाँ पे इसमें 19 बचेगा, तो इसमें फिर जाएगा, यानी इसका 11 के इसमें जाएगा 8 बार में, 8, फिर उसके बाद 0.2, ठीक है, ये इसका आंसर, यानी ये पहला फोकस आ गया, ठीक है, पहले पॉइंट का आंसर ये आ गया। इसके बाद दूसरा पॉइंट है निकट की दृष्टि के लिए, अब निकट के लिए जो P2 का मान है वो आपको कितना रखना पड़ेगा, वो 1.5 डायोप्टर रखना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके लिए भी आपको F2 निकालना है, बटे के आप लोग इसको सेमी में निकाल सकते हो 100, ठीक है, और बटे के यहाँ पे 1.5,
ये हम सेमी में निकाल रहे हैं, ये भी लास्ट में हमने इसको सेमी में चेंज कर दिया है। अब इसके बाद देखिए, यानी आपको रख देना है यहाँ पे F2 बराबर 1 बटे के 100 बटे के P2 से हमने इस सूत्र पे रख रहे हैं हम ना। इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें आपको ऊपर नीचे दशमलव हटाने के लिए 10 का गुणा भाग कर देना है। F2 बराबर क्या हो जाएगा 1000 और बटे के ये 15 हो जाएगा सिर्फ, ठीक है, तो 15 हो जाएगा। अब इसमें आप सभी को क्या करना है, भाग दे देना है। और ये देखिए जो मान है ना, ये माइनस में आएगा, यानी एफ F1 बराबर क्या हो जाएगा माइनस 1.82 सेमी, इस तरीके से, ठीक है। माइनस हम भूल गए थे, यहाँ पे आपको माइनस प्लस का ध्यान रखना है। और इसके बाद ये जो मान आएगा, ये तो प्लस में था, ये 1.5 जो है यहाँ पे प्लस में दिया हुआ है, तो यहाँ पे ये इसका जो मान आएगा वो भी प्लस में आएगा। तो ये 15×6=90, ठीक है, यानी कि ये 6 बार में 15 का इसमें जाएगा भाग। इसके बाद यानी इस तरीके से आप लोग फिर 6 बार में जाएगा, 10.66 आएगा, तो आप लोग इसको 7 लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से ये सेमी में आंसर आएगा और ये प्लस में आएगा। तो इस तरीके से आप सभी को पूरा हल करना है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन, एक उत्तल लेंस के द्वारा किसी वस्तु के प्रतिबिंब बनने को किरण आरेख के द्वारा दर्शाए। ये जब वस्तु, यानी दो पॉइंट है इसमें, अनंत दूरी पर हो, ठीक है, और दूसरा पॉइंट है कि जब वस्तु जो है वो फोकस और लेंस के प्रकाशित केंद्र के बीच में हो, ठीक है। ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, यानी इसमें 2 पॉइंट दिया है, दोनों पॉइंट को आप लोग हल करोगे तभी आपको 4 नंबर मिलेंगे, ठीक है। आपको ये जो है ये एक क्वेश्चन आपके पेपर में ये दर्पण वाले से जरूर आएगा, ठीक है, किरण आरेख खींचने के लिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को जो हम इससे पहले साइंस के पेपर बता चुके उसमें आप सभी को मिल जाएगा, हमने इसे कई बार बताया है। इसके बाद देखिए नंबर 4 है, क्वेश्चन क है कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में एक धारावाही चालक पर लगने वाले बल का सूत्र जो है वो लिखिए, और इस बल की दिशा ज्ञात करने वाले नियम को भी आपको लिखना है। तो यहाँ पे देखिए जो इसका सूत्र हो जाएगा वो F बराबर होता है आई, ठीक है, बी एल साइन थीटा, ठीक है। ये क्या है, ये किसी चुंबकीय क्षेत्र में एक धारावाही चालक पे लगने वाले बल का सूत्र ये है, इस तरीके से, ठीक है। F बराबर आई बी एल साइन थीटा, जहां आई जो है वो इस तरीके से विद्युत धारा है, बी जो चुंबकीय क्षेत्र है, एल जो है ये लंबाई है, और साइन थीटा, ठीक है, ये एक मान है। और इसके बाद यहाँ पे क्या है, इस तरीके से एफ जो है इसमें धारावाही चालक पे लगने वाला बल है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे ये सूत्र जो है लिखना है, और इसके बाद ये जो है यानी यहाँ पे इसकी जो दिशा ज्ञात होगी वो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात होगी। इससे पहले जो हम साइंस के पेपर बताया था उसमें फ्लेमिंग के दाएं और बाएं हाथ दोनों नियम हमने बताया था, उस वीडियो को आप लोग जाकर देख लो। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का ख है कि 100 वाट, ठीक है, और 200 वोल्ट के एक बल्ब को 200 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है, तो बल्ब का प्रतिरोध तथा उसमें बहने वाला धारा की गणना करना है, ठीक है। आर बराबर क्वेश्चन मार्क और आई बराबर क्वेश्चन मार्क, दोनों का मान आपको सॉल्व करना है, निकालना है, और बाकी ये 100 वाट अगर दे दिया तो ये पी का मान हो गया, ठीक है, और वोल्ट अगर यहाँ पे लिखा रहेगा तो ये भी का मान हो गया, ठीक है। इस तरीके से आपको सबसे पहले समझना है, और इसमें क्या है, आप सभी को अथवा यानी आप लोग इस क्वेश्चन को कीजिए या यहाँ पे जो एक क्वेश्चन है इसको कीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो 4 का क और ख है, ठीक है, दोनों क्वेश्चन को आप लोग कीजिए, या आप सभी लोग सिर्फ इस क्वेश्चन को अथवा वाला जो है इस क्वेश्चन को कीजिए, ठीक है, दोनों यानी 6 नंबर का। देखिए यहाँ पे 4 और 2 यहाँ पे है 6, और ये 2 2 2 6 हो गया, ठीक है। इस तरीके से ये दोनों अथवा है, देखिए हम आपको दोनों यहाँ पे सॉल्व करके बताएंगे कैसे आप सभी को सॉल्व करना है पेपर में। तो देखिए सबसे पहले के क्वेश्चन में यहाँ पे जो है ये जो है पी का मान है, ठीक है, पी बराबर जो है 100 वाट दिया हुआ है, और ये जो है ये भी का मान है, ठीक है, भी बराबर 200 वोल्ट इस तरीके से दिया हुआ है। अब यहाँ पे जो हमें ज्ञात क्या करना है, आई यहाँ पे बहने वाली धारा और प्रतिरोध को ज्ञात करना है। सबसे पहले हम आई को ज्ञात कर लेते हैं, आई बराबर जो सूत्र हो जाएगा वो पी बाई भी होता है, ठीक है, आई बराबर सूत्र पी बाई भी होता है। पी का मान जो है यहाँ पे 100 दिया है उसको रख दीजिए, और इसके बाद भी का मान 200 है इसको भी रख दीजिए, ठीक है। इस तरीके से अब क्या हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा, इससे कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा, यानी ये 2 0 से 2 0 कट गया, ठीक है, और बाकी यहाँ पे क्या आ गया, आई बराबर 1/2। अब इसमें अगर आप लोग भाग दोगे तो ये क्या हो जाएगा, यानी यहाँ पे 0 पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे 10 वालों बढ़ जाएगा, 2 5 10, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे
0.5 ठीक है एम्पियर। तो इस तरीके से ये इसका आंसर आ गया, सबसे पहले इतना आंसर आ गया इसका। और इसके बाद देखिए अब आप सभी को क्या निकलना है, प्रतिरोध R का मान निकलना है ठीक है। प्रतिरोध R बराबर जो सूत्र हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, R बराबर V बाई आई ठीक है, V बाई आई हो गया। अब इसके बाद यानी R का मान जो है हमें निकालना है, V का मान यहाँ पे दिया है, कितने मेंस से जोड़ना है, 200 वोल्ट के मेंस से ठीक है। तो 200 और बटे के यहाँ पे इसका मान जो है, I का मान यहाँ पे हमने कितना निकाला है, 0.5। इसमें हम 10 का ऊपर नीचे गुणा भाग कर देंगे, दशमलव यहां से गायब हो जाएगा। R बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 2000 हो जाएगा ठीक है, एक जीरो इसमें ऐड हो जाएगा, बाकी इसका दशमलव गायब हो जाएगा, तो ये 5 हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 चौकी क्या होता है, 20 होता है। तो R बराबर कितना आ गया, यहाँ पे 4 बचा ठीक है, और 2 सुन्ना बचा, तो यहाँ पे 400 ओम। इस तरीके से यहाँ पे 400 ओम इसका आंसर हो गया। ऐसे आपको पूरा सॉल्व करना है, बहुत ही सरल है, बहुत इजी है। सिर्फ आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, और अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है ना, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो मान दिया है उसको आप लोग रखिए। अगर मान को आप लोग रखोगे और जो मान पूछेगा उसके बराबर क्वेश्चन मार्क ऐसे करोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये पूरे जो मान है ये मिलकर के एक फॉर्मूला का निर्माण कर रहे हैं ठीक है। तो वहां से आपको अगर फॉर्मूला भूल भी जाओगे तभी याद आ जाएगा, और आप लोग फॉर्मूले से रख करके इस तरीके से आंसर ला सकते हो ठीक है। तो आप ये जो बोल्ट वाला है ना, ये जरूर आएगा, 100% देख लेना, बिल्कुल लिखित है कि आपके पेपर में जरूर छपा रहेगा ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट अथवा है यहाँ पे, यानी आप लोग दोनों में से किसी को करना है। यहाँ पे 3 पॉइंट है, सम्मुख परिपथ में आपको गणना करना है, ए और बी के मध्य आपको तुल्य प्रतिरोध करना है, ए और बी बिंदुओं के मध्य यानी ये सभी प्रतिरोध इसके बीच आ जाएंगे, बाकी प्रवाहित धारा आई का मान, और ए और बी के बीच आपको विभवांतर, ए और बी के बीच आपको विभवांतर ज्ञात करना है। तो यहाँ पे प्रतिरोध 4 दिए हुए जिसमें विभवांतर जो है इतना दिया हुआ है, 1.5। सॉल्व करना है कैसे आपको, सबसे पहले हम पॉइंट फर्स्ट को सॉल्व करेंगे ठीक है। सबसे फर्स्ट पॉइंट में क्या है, देखिए आपको कैसे समझना है कि जो समांतर क्रम है उसमें कैसे प्रतिरोध है ठीक है, यानी कैसे यहाँ पे पहचानोगे कि समांतर क्रम में प्रतिरोध ये जुड़ा है या सरणी क्रम में जुड़ा है। सबसे पहले देखिए अगर ये जो है बिंदु ए और बी के बीच हमें पूछ रखा है तुल्य प्रतिरोध, आर डैश का मान निकालना है ठीक है, आर इक्वलेट का मान निकालना है। तो इस तरीके से हम जब यहाँ पे ए और बी बिंदु तार को जब हम ये इस तरीके से है ठीक है, अब जब हम इसको ऐसे फैलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, यानी इस तरीके से कुछ हो जाएगा ऐसे ठीक है, एक ओम एक ओम एक ओम। तो इस तरीके से इसमें 3 प्रतिरोध जुड़ जाएंगे ठीक है, यानी ये तीनों, अब यहाँ पे देखिए ये तीनों प्रतिरोध, अब इसको जब हम इस तार को फैलाए तो कैसे होगा, सीरीज के टाइप का, यानी एक श्रेणी में दिख रहा है क्रम से जुड़े हुए ठीक है। अब ये इस तरीके से अगर जुड़ा रहेगा तो इसको श्रेणी क्रम कहा जाता है ठीक है, यानी ये प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। और श्रेणी क्रम के लिए सूत्र लगेगा हमें ए वो बी के बीच के तुल्य प्रतिरोध आर इक्वलेट का मान निकालना है ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ठीक है, यहाँ पे आर श्रेणी क्रम का जो सूत्र हो जाएगा, यानी हमें आर डैश बराबर, सपोज यहाँ पे हमें आर डैश बराबर निकालना है ठीक है, तो आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, ये क्या है, ये श्रेणी क्रम का सूत्र होता है ठीक है। तो इस तरीके से, और इसका हमने कई बार आपको कैसे ये निकलता है सूत्र, ये चीजें हमने आपको कई बार बता चुका है वायरल पेपर में। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जितना हम आपको वायरल पेपर बता रहे हैं उतना पूरा आपको पेपर तैयार करना है, यानी 10 सेट पेपर हम आपको बताएंगे, टोटल को तैयार कर लेना है। जितने स्टूडेंट पिछड़ गए हैं नहीं तैयार कर पाए ना, वो जाकर हमारे चैनल पे विजिट करके तुरंत उस पेपर को पहले तैयार कर लीजिए ठीक है। 1-2 दिन में, जितना दिन में आप लोग के अंदर क्षमता है आप लोग तैयार कर लीजिए। और आप लोग को प्लेलिस्ट भी हमने सभी सेट का बना दिया है, प्लेलिस्ट से भी आप लोग देख लीजिएगा ठीक है। तो आप लोग उसको भी सॉल्व कर लोगे तभी आपका बोर्ड एग्जाम में पूरे के पूरे जो है 70 में 70 नंबर साइंस में फंसेगा, पूरा आएगा 70 में 70 नंबर। तो इस तरीके से अब देखिए आर डैश बराबर जो है आर वन का मान, यहाँ पे सभी का मान, आर वन का मान 1 है, आर टू का मान 1 है, आर थ्री का मान 1 है, तो एक ओम प्लस एक ओम ठीक है। ये टोटल कितने हो गए, आर डैश बराबर 3 ओम आ गया ठीक है, 3 ओम आ गया यहाँ पे, आर डैश का मान 3 ओम आ गया ठीक है। और यहाँ पे देखिए अब ये जो है ये तीनों एक ओम प्रतिरोध मिलकर के तीनों 3 ओम का एक प्रतिरोध बन गया ठीक है, यानी ये कुछ इस तरह से बन गया, जैसे यहाँ पे बिंदु ए
ऐसे और बिंदु बी ऐसे है, ठीक है। यहाँ पे तीनों का एक प्रतिरोध है, तो इसमें जो ये बन गया वो इस तरीके से बन गया, ठीक है, ऐसे बन गया यहाँ पे तीनों। इसको जब हम पूरे को श्रेणी क्रम में जोड़ दिए तीनों ओम को, तो ये तीनों ऐसे बन गया, ठीक है। अब क्या है, ये एक दूसरे के क्या है, अब ये समांतर में है, यानी पहला इस तरीके से ये किस इससे क्या है, बिल्कुल समांतर है, ठीक है। तो अभी ये इसके लिए जो सूत्र लगेगा वो समांतर क्रम का सूत्र लगेगा, क्योंकि ये प्रतिरोध दोनों समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। समांतर क्रम को पार्श्व क्रम भी कहा जाता है। अब यहाँ पे देखिए, अब इसके लिए हम यहाँ पे आर डबल डैश निकाल लेते हैं, ठीक है। आर यानी एक बटे के आर डबल डैश बराबर एक बटे के आर वन प्लस एक बटे के आर टू, ऐसे हम मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको आप लोग एक बटे के आर डैश भी मान सकते हो, इसको या आर वन। तो यहाँ पे R डबल डैश या R इक्वलेट बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक बटे के, ठीक है, R डैश का मान यहाँ पे तीन ओम आया, तीन ओम रख देना है, बाकी यहाँ पे एक बटे के R2 का मान, यानी जो यहाँ पे प्रतिरोध बिंदु A और B के बीच जुड़ा है वो तीन ओम है, तो तीन आपको लिखना है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, जितने स्टूडेंट को 100% पूरे के पूरे समझ में आया, ठीक है। जहां पे नहीं समझ में आया ये भी आपको बताना है, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल क्लियर करके बता देंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, दोनों का हर समान है, तो ये एक कॉमन ले लिया जाता है, बाकी ऊपर का दोनों जुड़ जाता है, तो ये हो जाएगा दो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको यानी आर और यहाँ पे आर इक्वल एड बराबर जो यहाँ पे निकलेगा वो तीन बटे के दो आ जाएगा, ठीक है। और जब हम इसका भाग देंगे तो ये दो का एक बार में जाएगा तीन में एक, और उसके बाद यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे यानी एक बचेगा, जीरो बढ़ा देंगे, दस हो जाएगा, दो पांच दस, यानी यहाँ पे 1.5 ओम। इस तरीके से ये पहला पॉइंट का आंसर भी आया। दूसरे पॉइंट में पूछा है कि बैटरी से प्रवाहित धारा का मान, ठीक है, बैटरी से प्रवाहित धारा का मान आप सभी को निकालना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई बराबर वी बाई आर होता है, ठीक है। धारा का मान हमें निकालना है, भी का मान इसमें दिया हुआ है, भी का मान कितना है, 1.5 दिया है, तो यहाँ पे हम भी के मान की जगह 1.5 रखेंगे, बटे आर का मान जो हम अभी निकाले हैं, आर का मान वो कितना निकाला है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1.5 निकाले, ठीक है। सभी आर इक्वलेट का मान यानी पूरे आपको तुल्य प्रतिरोध का मान जो है 1.5 है, ये दोनों इससे मर जाएंगे, आई बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये एक बार में गया तो 1 एम्पियर। तो यहाँ पे दूसरे पॉइंट का भी आंसर आ गया, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे तीसरा क्या है, ए और बी के मध्य विभवांतर आपको ज्ञात करना है, ठीक है। ए और बी बिंदु के मध्य आपको ये पूरा विभवांतर ज्ञात करना है। यहाँ पे आप सभी को अब कौन सा फॉर्मूला लगाना है विभवांतर का, भी बराबर क्या होता है, आई इंटू आर। अगर आप लोग ये सूत्र जान गए ना, आर बराबर भी बाई आई, तो आप लोग जो भी मान पूछेगा इसी सूत्र को सिर्फ आपको पाशांतर करके लिखना है, ठीक है। पाशांतर करने अगर आपको आ गया, जैसे हमने आपको बताया, तो आप लोग पूरे इससे तीन चार सूत्र आप लोग इससे निकाल दोगे। अगर भी बराबर पूछेगा तो आई अगर यहाँ पे भाग में है, बराबर की इधर करोगे इंटू में हो जाएगा, आई इंटू आर हो जाएगा, ठीक है। तो वही यहाँ पे है, अभी इस फॉर्मूले से आपको रखना है, आई का मान हमने अभी निकाला 1 एम्पियर, भी बराबर 1 इंटू आर का मान, आर इक्वलेट यानी जो तुल्य प्रतिरोध है वो हमने 1.5 निकाला है, तो 1.5 का जब हम इसमें गुणा करेंगे तो भी बराबर 1.5 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये टोटल तीसरे वाले पॉइंट का आंसर हो गया। ऐसे पूरा आपको सॉल्व करना, पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। नेक्स्ट देखिए पांचवा क्वेश्चन, पीएच की परिभाषा दीजिए, इसका हाइड्रोजन आयन सांद्रण से क्या संबंध है स्पष्ट कीजिए, ठीक है। आपको ये दो नंबर का इसको करना है, इसमें दो है, पांचवें का क और ख दोनों मिलाकर चार नंबर के क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले कि ये पीएच किसे कहते हैं, ठीक है। देखिए आप सभी लोग इसको देखिए नोट कर लीजिए, यहाँ पे हम आपको समझा कर बता देते हैं। किसी विलयन का जो पीएच मान है, पीएच मान वो 10 के ऋणात्मक घात की वो संख्या है जो उस विलयन के हाइड्रोजन आयन यानी H+, ठीक है, सांद्रण को मोल लीटर इनवर्स से प्रदर्शित करता है, ठीक है, उसी को पीएच कहते हैं। यानी पीएच इक्वल क्या होता है, यहाँ पे इस तरीके से पीएच इक्वल माइनस लॉग, ठीक है, और H+, जो कि क्या है, यहाँ पे किसी विलयन का पीएच मान किससे, यहाँ पे 10 मान की ऋणात्मक घात, यहाँ पे ऋणात्मक घात की, ठीक है, यहाँ पे संख्या है जो उस विलयन के हाइड्रोजन आयन H+ सांद्रण को मोल लीटर इनवर्स से प्रदर्शित करता है। आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हो या आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हो, H+ इक्वल यहाँ पे, ठीक है, 10 के पावर
माइनस पीएच। तो ये जो है आप लोग इस दोनों तरह से लिख सकते हो। ये देखिए, ये आपके बिल्कुल जो परिभाषा है उसी के हिसाब से ये वाला सूत्र है। तो आपको यानी पीएच लिखने के बाद, जो हमने आपको बताया वो परिभाषा लिखने के बाद, आपको ये दोनों सूत्र नीचे लिख देना है, तभी आपको टोटल दो नंबर मिलेंगे। उसके बाद देखिए ख क्वेश्चन है, निम्नलिखित यौगिकों का आईयूपीएसी नाम लिखना है आपको, ठीक है। और यहाँ पे देखिए सबसे पहले कि यहाँ पे एक कार्बन को मेथेन कहते हैं, ठीक है, और दो कार्बन को एथेन कहते हैं, और तीसरे कार्बन को प्रोपेन कहते हैं, ठीक है। इस तरीके से पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, ठीक है, ऐसे कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको वहां से यहाँ पे गिनती शुरू करनी है जहां पे ये जो है ये बांध जो है नजदीक हो या कोई क्रियात्मक समूह जुड़ा हो। तो यहाँ पे एक कार्बन के पास ऐसे जुड़ा है, ठीक है, और इधर तो हमने एक इसको मान लिया, तो दूसरे नंबर पे ये जुड़ा है। तो यहां से हम करेंगे 1, 2, 3, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, पहला यानी यहाँ पे पहले कार्बन पे क्या जुड़ा है, ट्रिपल बांध जुड़ा है, और ट्रिपल बांध को क्या कहते हैं, आयन कहते हैं, ठीक है, आयन कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये 1, 2, 3 कार्बन है, तीन कार्बन को प्रोपेन कहते, तो यहाँ पे प्रोपेन प्लस आयन, ठीक है, इसको क्या कहेंगे, इस पूरे को जब हम पढ़ेंगे तो प्रोपेनाइन, ठीक है, तो इस यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोपेनाइन हो जाएगा, ठीक है, या प्रोपिल ऐसे भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रोपेनाइन हो जाएगा, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। बाकी यहाँ पे 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पे चार कार्बन को ब्यूटेन कहा जाता है, प्लस यहाँ पे CHO को अल कहा जाता है। अब ये तो मिला करके क्या लिखेंगे, ब्यूटेनल, ठीक है, यहाँ पे ये अल जो है इसमें ब्यूटेन में जुड़ जाएगा, तो ये ब्यूटेनल हो जाएगा। तो इसका यूपीएससी नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेनल हो जाएगा। अठवां क्वेश्चन, हाइड्रोजनीकरण किसे कहते हैं, ठीक है, या हाइड्रोजनीकरण क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए ये जो हाइड्रोजनीकरण होता है ये संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से होता है, ठीक है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में जब पैलेडियम वो निकिल, ठीक है, जैसे उत्प्रेरकों की उपस्थिति में हाइड्रोजन के योग से संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनता है, तो इस पूरी प्रक्रिया को हाइड्रोजनीकरण कहा जाता है, ठीक है, आप लोग इसको समझिएगा। इसी तरीके से आपको लिखना, बहुत ही छोटा है, दो नंबर में है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे छठवें का ख, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम किस कार्बनिक यौगिक का निर्माण हुआ था, इसका नाम और सूत्र आपको लिखना है। तो सबसे पहले जो हुआ था निर्माण वो यूरिया का हुआ था, किसका, यूरिया का, ठीक है, और इसका जो सूत्र होता है वो NH2, ठीक है, CuNH2 होता है। ये किसका सूत्र है, यूरिया का सूत्र है। और इसका निर्माण सर्वप्रथम किससे हुआ था, तो ये, ठीक है, ये गर्म का सिंबल होता है इसमें, यानी किसको गर्म किया गया था, तो ये अमोनियम, ठीक है, साइनेट यानी साइनाइड, अमोनियम साइनेट को गर्म किया गया था, जो कि NH4, ठीक है, और CNO, ये इसका सूत्र होता है अमोनियम साइनेट का, ठीक है। इसको जब हम गर्म करते हैं तब हमें प्राप्त हुआ था NH2, CuNH2 प्राप्त हुआ था, ठीक है। आप लोग इसको NH2 का होल स्क्वायर ऐसे, और CO भी ऐसे आप लोग भी लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन सबसे फेमस इसको इस तरीके से लिखा जाता है। तो सबसे पहले यही जो है बना था, यूरिया का निर्माण सबसे पहले प्रयोगशाला में हुआ था, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है सातवां क्वेश्चन। देखिए हम आप सभी लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहे, पूरा रात दिन मेहनत कर रहे हैं, आपको एग्जाम देना है बोर्ड एग्जाम, लेकिन हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, हम 100% आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो आप सभी लोग, जब हम 100% कर रहे हैं, हमें एग्जाम नहीं देना है, हम 100% मेहनत कर रहे हैं, तो आप सभी लोगों को, ठीक है, हमसे बेसी करना चाहिए, आपसे, आप लोगों को 110% मेहनत करना चाहिए, तब आप लोग जो है टॉपर बनोगे। तो इस तरीके से आप लोग देखिए बहुत ही मेहनत से आपको पेपर बताते हैं सभी, ये पेपर बनाने में बहुत टाइम लगता है, इसकी पूरी सॉल्यूशन, ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने में भी हमें बहुत टाइम लगता है। आप लोग देखिए वीडियो को जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करिए, आप लोग इस वीडियो को जरूर, आप लोग 1000 लाइक अगर आप लोग करा दोगे तो हम जान जाएंगे कि आप लोग हमारे बहुत ही प्यारे स्टूडेंट हो, और हम आप सभी को बहुत ही कम समय में ऐसी ऐसी ट्रिक बताएंगे, ऐसे ऐसे वायरल पेपर बताएंगे, जिससे आप लोग मात तैयार कर लेते हो तो आपका 95% बिल्कुल पक्का हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है धावन सोडा का रासायनिक नाम तथा अणुसूत्र लिखिए, ये कैसे बनाया जाता है, और इसके प्रमुख आपको भौतिक एवं रासायनिक गुण आप सभी को भी लिखना है, और इसके उपयोग भी लिखना है, ठीक है।
ये जो है ये हमने आप सभी को कई बार बता चुका है, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम आपको इसको कई बार बता चुके। और इसके बाद देखिए, जैसे धावन सोडा का यहाँ पे रासायनिक नाम क्या होता है और इसका अणु सूत्र क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, धावन सोडा का जो रासायनिक नाम होता है वो सोडियम कार्बोनेट होता है, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट होता है। और इसका जो सूत्र होता है, जो रासायनिक सूत्र होता है वो Na2CO3 होता है, यानी सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। और आप लोग इसको NH2CO3 के जगह के बाद आप लोग DA10H2O भी लिख सकते हो, बाकी खाली यही इसका सूत्र होता है। अगर आप लोग लिखना चाहते हो तो साथ में इसको भी लिख सकते हो, ठीक है। और ये यानी आपको ये कैसे बनाया जाता है, तो ये जो बनाया जाता है वो NaHCO3, ठीक है, यानी बेकिंग सोडा को जब गर्म किया जाता है तो ये Na2CO3 प्राप्त होता है, यानी सोडियम कार्बोनेट, और प्लस यहाँ पे H2O और प्लस यहाँ पे CO2 प्राप्त होता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको बनाया जाता है। बाकी इसका उपयोग वगैरह हमने कई बार आपको बता चुका है, जो हमारा इसके पहले साइंस का पेपर है आप लोग उस पेपर को मात्र देख लीजिएगा, ठीक है, जरूर देख लीजिएगा, सभी आपको क्वेश्चन का आंसर क्लियर हो जाएगा। अथवा है यानी आप लोग को दोनों में से किसी एक को करना है, निम्नलिखित पे आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, विस्थापन अभिक्रिया, संक्षारण, उदासीनीकरण, दोनों को आपको करोगे तो आपको दो दो नंबर सभी पे मिलेंगे, 6 नंबर का क्वेश्चन है। दोनों में से आप लोग इसको कीजिए अथवा को, ठीक है। तो ये भी हमने कई बार बता चुका है, आप लोग उस पेपर को जाकर देख लीजिएगा, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन है, मनुष्य में विक के 2 प्रमुख कार्य लिखिए, ठीक है। और ख क्वेश्चन है, रुधिर तथा लसिका में 2-2 अंतर आपको लिखना है। अब आपको अंतर कैसे लिखना है एग्जाम में, जिससे आपको पूरे के पूरे नंबर मिले, ठीक है। सबसे पहले कि विक का कार्य क्या है, तो देखिए विक का जो कार्य होता है वो विक का मुख्य कार्य होता है नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का कार्य करता है, ठीक है। इस तरीके से जैसे जो यूरिन होता है ना, उसको ये निकालने का काम करता है विक। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा, विक जल की मात्रा को संतुलित बनाए रखने का कार्य भी करता है। तीसरा है कि विक शरीर में अम्ल क्षार का संतुलन बनाए रखता है। चौथा है, विक लवण संतुलन में भी सहायक होता है, ठीक है। पांचवा है कि विक शरीर में अनावश्यक रूप से उत्सर्जित पदार्थ जैसे विष, दवाइयों इत्यादियों को, ठीक है, मूत्र के साथ बाहर निकालता भी है, निकालने का कार्य करता है। यानी आपको सिर्फ 2 काम लिखना, हमने यहाँ पे इसके 4 कार्य बता दिए, जिसमें से आप लोग किसी भी 2 कार्य को लिख लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन में था कि रक्त और लसिका में अंतर या रुधिर तथा लसिका में अंतर, आपको लिखना कैसे, देखिए आपको ये नहीं कि पहले लसिका लिख करके आप लोग इसके बारे में ऐसे लिख दिए, उसके बाद रक्त लिख करके ऐसे आपको लिख देना, ठीक है, ऐसे आपको नहीं करना है। आपको एक तरफ लसिका और एक तरफ आपको रुधिर लिखना है, ठीक है, ब्लड लिखना है रक्त, और दोनों में आपको ऐसे अंतर लिखना है। 2 अंतर सिर्फ पूछा है तो आपको 2 ही अंतर लिखना है, यहाँ पे हमने आपको कई बता रहे हैं। सबसे पहले ये जो लसिका होता है, ठीक है, लसिका रंगहीन उत्तक है, यानी ये लसिका जो है ये सफेद कलर का होता है, ये कोई लाल कलर का नहीं होता है, ठीक है। और रक्त जो होता है ये सभी लोग जानते हैं, रक्त का लाल रंग होता है, ठीक है, ये दर्वी उत्तक होता है। उसके बाद इसमें प्रोटीन की मात्रा कम होती है, यानी लसिका में प्रोटीन की मात्रा कम होती है, और बाकी जो ये यहाँ पे रुधिर है, ब्लड है, इसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। इसमें लाल रक्त कणिकाओं का पूर्ण अभाव जो है होता है, यानी लसिका जो सफेद कलर की होती है, क्यों होती है, क्योंकि इसमें जो लाल रक्त कणिकाएं होती है जो रुधिर को लाल रंग की दिखाई देती है ना, वो लसिका में नहीं पाए जाते, बाकी रुधिर तो लाल रंग का होता है इसमें पाए जाते हैं। इसमें उत्सर्जी पदार्थ अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, और इसमें क्या है, उत्सर्जी पदार्थ कम मात्रा में पाए जाते हैं। ऑक्सीजन और पोषक पदार्थों की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है लसिका में, इसमें अधिक होती है, ठीक है। ये श्वेत रक्त कणिकाओं यानी WBC की जो है संख्या इसमें अधिक होती है, ठीक है, व्हाइट ब्लड कॉर्पोरेशन। उसके बाद श्वेत रक्त इसमें जो है, इसमें WBC की संख्या जो है कम मात्रा में पाई जाती है, इसमें RBC की मात्रा अधिक पाई जाती है, ठीक है, रेड ब्लड कॉर्पोरेशन। इसके बाद यहाँ पे इसमें लिम्फोसाइट की संख्या सबसे अधिक होती है, इसमें न्यूट्रोफिल्स की संख्या सबसे अधिक होती है। इस तरीके से आपको पूरा लिखना है, पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये हम आपको सबसे सरल विधि बताए, सबसे सरल तरीका, बहुत इंपॉर्टेंट है रुधिर और लसिका में अंतर। इसके बाद देखिये 9वां क्वेश्चन है जो की 2 नंबर का है,
पादप हार्मोन की चार प्रमुख विशेषता बताइए, यानी पादप हार्मोन जो पौधे पेड़ पौधे होते हैं उन्हें पादप कहा जाता है। तो पादप में कौन कौन से चार हार्मोन है जिनकी विशेषताएं किस प्रकार है, ठीक है। तो देखिए आपको सिर्फ यहाँ पे विशेषताएं पूछ रखा है, बाकी नाम नहीं पूछा हार्मोन का। तो आपको इस तरीके से, यानी ये शीर्ष कलिका के शीर्ष प्रभाव को बढ़ाता है, ये कोशिका विभाजन तथा कोशिका वृद्धि को बढ़ाता है, ये कैलक्स तथा कलम में जड़ों के जो बनने को बढ़ावा देता है, ठीक है। ये पार्थेनोक्रॉपी बिना निषेचन के बीज रहित फलों के विकास को बढ़ावा देता है। चार इसके प्रमुख विशेषताएं तैयार कर लो। इसके बाद अथवा है वात्पोसर्जन के चार प्रमुख महत्व को आपको बताना है। देखिये वात्पोसर्जन जो है, वात्पोसर्जन क्रिया का पौधे के लिए महत्व जो है, पौधे के मूल से यानी जड़ से लेकर के चोटी तक, यानी उनके कनखे कनखे तक, पत्तों तक लगातार जो जल का धारा करता है वो वात्पोसर्जन के द्वारा ही प्रवाहित होता है, ठीक है। जिससे पत्तियों में पानी जाता है, पत्तियां हरे रंग की दिखाई देती है, ठीक है, हरा भरा दिखाई देती है। नेक्स्ट है ये खनिज वो अवशोषण एवं परिवहन में भी सहायता करता है। इसके अलावा ये पौधे में तापक्रम संतुलन बनाने में भी सहायक रहता है। आप लोग देखेंगे कि क्या होगा, जब ज्यादा धूप होती है तो जो पेड़ पौधे छोटे पौधे होते हैं उनकी पत्तियां जो होती है मुरझाए टाइप के हो जाते हैं, ठीक है। तो जब ज्यादा धूप होता है ना, तो ये वात्पोसर्जन जो होता है ये पत्तियों में से, यानी पत्तियों को हरा भरा दिखाई देने के लिए उसको उसमें जल का बहुत ज्यादा जो है प्रवाह करता है, जिससे वो पत्तियां सूखती नहीं है, सिर्फ ऐसे मुरझा कर लटक जाती है। और जब, ठीक है, यानी दोपहर में ऐसे लटक जाएंगी और शाम को वो पत्तियां फिर से अपने पूरे पुनावस्था में हो जाएंगी। आप लोगों ने भी ये चीजें देखा होगा, ठीक है। तो आप लोग इस तरीके से आप लोग पूरा लिखिएगा। इसके बाद देखिए दसवां क्वेश्चन है, अग्नाशय के अंतःस्रावी भाग में स्थित अल्फा तथा बीटा कोशिकाओं से निकलने वाले हार्मोन के नाम तथा कार्य का वर्णन आपको करना है, ठीक है। ये कितने नंबर का है, चार नंबर का है। अथवा अगर आप लोग इस क्वेश्चन को नहीं करोगे तो अथवा जो है ये क्वेश्चन वायरल क्वेश्चन भी है और हर साल आता भी है, ठीक है, और आपके लिए सरल भी है। तो आप लोग इस क्वेश्चन अथवा वाले क्वेश्चन को कीजिएगा। ये क्वेश्चन क्या है कि परिवार नियोजन किसे कहते हैं, मानव जनसंख्या वृद्धि को रोकने के उपायों का उल्लेख कीजिए, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले देखिए परिवार नियोजन किसे कहते हैं, ठीक है, परिवार को नियोजित करके, ठीक है, बच्चों की संख्या सीमित करना ही परिवार नियोजन कहलाता है। देखिए यहाँ पे परिवार नियोजन का अर्थ है, परिवार नियोजन इस बढ़ती हुई जनसंख्या पर काबू पाने का सबसे बेहतर उपाय है। परिवार नियोजन का अभिप्राय है कि परिवार को इस प्रकार नियोजित करना जिससे अधिक संतान उत्पन्न न हो, ठीक है, परिवार के सभी सदस्यों को मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। इस प्रकार यानी कि परिवार को नियोजित करके बच्चों की संख्या यानी अधिक संतानों की संख्या को सीमित करना ही परिवार नियोजन कहलाता है। आप लोग ऐसे देख सकते हो। अब देखिए जनसंख्या वृद्धि को कैसे इस पे नियंत्रण लगाया जा सकता है, कैसे इसको रोका जा सकता है, ठीक है। तो भारत में जो त्रिगति से बढ़ती हुई जनसंख्या है उसको नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं। पहला देखिए, सबसे पहला उपाय है कि शिक्षा की सुविधाओं का विस्तार करना, ठीक है। जब तक यानी लोगों को जब तक इसके बारे में पता नहीं रहेगा कि किस प्रकार परिवार को नियोजित करना है, ठीक है, बच्चों की संख्या को कम करना है, संतानों की संख्या को कम करना है, तब तक वो जनसंख्या वृद्धि जो है वो नहीं रुकेगी। तो सबसे पहले कि लोगों को शिक्षा सबके सबके यानी सबके लिए, ठीक है, परिवार नियोजन की जो भी बातें हैं, शिक्षा है, विधियां है, उसको समझना बहुत ही जरूरी है। देखिए शिक्षित व्यक्ति प्रायः आयम व्यय के सिद्धांत से भली भांति परिचित होने के कारण सीमित परिवार के महत्व को समझते हैं, ठीक है। यही कारण कि शिक्षित परिवार समानता सीमित ही होते हैं, यानी हम दो हमारे दो होना चाहिए, ठीक है, यानी एक लड़के और एक लड़की, ऐसे संतान सभी के पास होनी चाहिए, सभी को ऐसे संतानों की करनी चाहिए, ठीक है, यानी इस तरीके से संतान की संख्या सीमित करनी चाहिए। नेक्स्ट है बच्चों की संख्या का निर्धारण, जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए प्रति परिवार बच्चों की संख्या निर्धारित की जानी चाहिए। इसके लिए सरकारी स्तर पर कानून में संशोधन किए जाने चाहिए और यदि संभव न हो तो सीमित परिवार वाले व्यक्तियों में ऐसे प्रोत्साहन दिए जाने चाहिए कि जन सामान्य में इसके प्रति रुचि उत्पन्न हो सके और परिवार में बच्चों की संख्या को निश्चित करके अनियंत्रित ढंग से बढ़ रही जनसंख्या पर तुरंत प्रभावी रोक, ठीक है, प्रभावी रोक लगाई जा सकती है। नेक्स्ट विवाह योग्य आयु में वृद्धि, यानी विवाह का जन्म से सीधा संबंध है, अतः विवाह योग्य आयु में वृद्धि करने से प्रजनन दर में कमी लाई जा सकती है, ठीक है। वर्तमान समय में यह स्त्रियों के लिए कम से कम 18 वर्ष तथा यानी 18 वर्ष
कि जो भी लड़कियां हैं 18 वर्ष की हो जाए तब उनकी विवाह करना चाहिए, ठीक है। और पुरुषों के लिए कम से कम यानी 21 वर्ष जो है, और इसे अब क्रमशः 23 वर्ष तथा 25 वर्ष कर दिया गया। यानी ये पहले था, अब क्या है, जब लड़कियों यानी जब गर्ल्स का एज 23 साल हो जाएगा तब उनकी शादी करनी है, और बाकी जब बॉय का यूज एज जो है उम्र 25 हो जाएगा तब उनकी शादी करनी, ठीक है। ये विवाह की एज निर्धारित किया गया, इससे कम नहीं शादी करनी है, ठीक है। इसके साथ साथ देर से विवाह करने वाले स्त्रियों पुरुषों को प्रोत्साहन पुरस्कार देना भी उपयोगी सिद्ध हो सकता है, जो देर से विवाह करेगा। था है गर्भपात को ऐच्छिक एवं सुविधापूर्ण बनाना, ठीक है। यानी हमारे देश में गर्भपात को प्राचीन समय से ही घृणित माना गया है। गर्भपात की सुविधा को शीघ्र ही राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध कराना जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए बहुत आवश्यक है, ठीक है। अनावश्यक गर्भ से छुटकारा पाकर स्त्रियां अपने परिवार में बच्चों की संख्या सीमित कर सकती है, ठीक है। यानी गर्भपात कराना, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे, यानी सबसे अच्छी विधि क्या है जिससे जनसंख्या जो है नियंत्रित हो जाए, वो है बंध्याकरण या नसबंदी, ठीक है। महिला पुरुष नस, इस प्रक्रिया को वैसेक्टोमी भी कहते हैं। इस प्रक्रिया में पुरुषों में विसर्ग कोष के ऊपरी भाग में, ठीक है, शुक्र वाहिकाओं को काटकर इनके दोनों कटे सिरों को बांध देते हैं। स्त्रियों में इसे क्या कहा जाता है, सेल्फीजेक्टोमी, या इसको ट्यूबटोमी कहा जाता है, ठीक है। इसमें स्त्रियों का भी नसबंदी होता है और पुरुषों का भी नसबंदी होता है, ठीक है, जिससे ये जो है सबसे स्थायी विधि है। और अगर ये इस तरीके से नसबंदी हो जाएगा तब जाकर के जो है जनसंख्या को, यानी सबको हम दो हमारे दो के बाद नसबंदी करा लेना चाहिए, जिससे जनसंख्या जो है सीमित हो जाएगी, जनसंख्या को रोका जा सकता है। तो इस तरीके से आपको पूरा लिखना है, पूरा आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, ऐसे ही आप सभी लोग लिखिएगा पूरा। नेक्स्ट है यहाँ पे 11 क्वेश्चन, मनुष्य के पाचन तंत्र यानी आहार नाल का आपको नामांकित चित्र बनाना है, ठीक है, 6 नंबर का। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको तैयार कर लीजिए। और आप लोग इसके साथ साथ दो चित्र और भी इम्पोर्टेंट है, यानी कि मादा जनन तंत्र और नर जनन तंत्र, ठीक है, ये वाला भी आप लोग चित्र तैयार कर लीजिएगा, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम। यानी आप लोग ये पाचन तंत्र, मादा जनन तंत्र, नर जनन तंत्र, तीन आप लोग फिगर याद कर लिए, तैयार कर लिए, ठीक है, सीख गए तो आप लोग पूरे जो है इसमें से एक भी इससे बाहर कोई चित्र नहीं आएगा, यही में से चित्र आएगा। देखिए मनुष्य के पाचन तंत्र आहार नाल का चित्र जो है हमने आपको इससे पहले जो साइंस के पेपर बताए ना उसमें भी हम आपको बताए हैं, ठीक है, और इस वीडियो में भी हम आपको थोड़ा सा उसमें हमने काफी अच्छे तरीके से समझा कर बताया है। और ये वीडियो में काफी लंबी हो रही है इसलिए यहाँ पे हम आपको ज्यादा समझाएंगे नहीं, ठीक है। जो चीजें है यानी देखिए इसमें पाचन तंत्र क्या है, पहले हम लोग मुंह में भोजन लेते हैं, ठीक है, इसके बाद उसको हम दांतों से कुचलते हैं, कोई ठीक है, जो वो मांसाहारी है वो मांसों को चीड़ फाड़ करता है, ठीक है, यानी काटता है इस तरीके से वो अपने दांतों में यानी मुंह में करता है। उसके बाद जो चीजें हम लोग खाते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, लार में मिलता है, लार के माध्यम से उसे और छोटा टुकड़े भागों में हम लोग कुचलते हैं। उसके बाद उसको क्या किया जाता है, ठीक है, यानी उसके बाद उसको निगला जाता है। तो इस तरीके से यानी ये पूरी प्रक्रिया आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको इसको समझना है तो इससे पहले जो साइंस के पेपर हमने बताया इसके बाद जस्ट बाद, ठीक है, उस वीडियो को देख लीजिएगा आप लोग, वहां पे हमने काफी अच्छे तरीके से समझाया है, उसको आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है। और बाकी जो डायग्राम है वो आपको इस तरीके से डायग्राम बनाना है ऐसे, ठीक है। यहाँ पे देखिए मुख गुहा है, यहाँ पे मुख है, यहाँ पे अधोजंभ है, ठीक है, अधोजीवा है इस तरीके से, इसके नीचे यहाँ पे ग्रंथियां है, यहाँ पे है, ठीक है, ऐसे ग्रसनी है, और यहाँ पे ग्रसिका है, यकृत है, पित्ताशय है, अमाशय है, अग्नाशय है, ग्रहणी है, ठीक है, ये डायाफ्राम है, ये अनुप्रस्थ वृहदंत्र है, ये अग्र क्षुद्रांत है, ठीक है, अवरोही वृहदंत है, ठीक है, क्षुद्रांत है, अंधनाल है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कृमिरूप परिशेषिका है, और इसके बाद यहाँ पे गुदा है, और यहाँ पे मलाशय, ठीक है। इस तरीके से आपको पूरा डायग्राम का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसे ही आप सभी को बिल्कुल सिंपली बनाना है। इसके बाद आंतों में जो भोजन का अवशोषण होता है वो किस तरीके से होता है तो आप लोग पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसके बाद क्रमानुकुंचन कैसे होता है तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसे ही आप सभी को पूरा लिखना है।
इसके बाद अथवा वाला क्वेश्चन है, दोनों में से किसी एक को करना है। पादप हार्मोन्स क्या है, किन्हीं दो पादप हार्मोन के नाम आप सभी को लिखना है हार्मोन्स के, ठीक है, एवं उनके कार्य लिखना है। 6 नंबर का दोनों में से अथवा है। आप लोग ये फिगर वाला जो है ये काफी सरल है, इसी के बारे में आप लोग लिख लीजिएगा। बाकी इसको हमने जो इसके पहले हम साइंस के पेपर बताए उसमें बताए, और आप लोग हमारे चैनल पे क्लास 10th साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर वायरल क्वेश्चन प्रश्न का, ठीक है, प्लेलिस्ट भी बना है, आप लोग चैनल पे विजिट करके देख लीजिएगा। और आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।